हेलो गेमर्स, माय नेम इज सर्वो, वेलकम बैक टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ हाउस फ्लिपर। इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने एक ट्रेन हाउस बाय करा था, उसको रेनोवेट करा था, बट आज की वीडियो में हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्क करने वाले हैं। और सामने की तरफ हमारा मून है, मून करके बाहर क्या कर रहा है पता नहीं, बट देखो ये दौड़ते दौड़ते जब मेरे पास आता है बहुत अच्छा लगता है। एक बार इसको थोड़ा सा खाना खिला देते, एक ट्रीट देते मून को, ये ले भाई पहली ट्रीट आज तेरी दिन की, और लेट स्टार्ट द गेम। और सबसे पहले कहते मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज मैं अपने रूम को थोड़ा सा अच्छा करूँ, उसके लिए हमको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, और एक्स्ट्रा पैसे हमको जॉब करने से मिलते हैं इस गेम में। सो दैट्स वाई आज मैं थोड़े से मेल्स को चेक करने वाला हूँ। हमारे पास एक नया मेल आया है, अभी अभी लेटेस्ट आया है, मार्को रेसोर का इनहैबिटेबल बंकर। बंकर है इनके घर में, ओ मैंने आज तक अभी बंकर तो साफ किया नहीं है, लेट्स एक्सेप्ट द जॉब। अभी चलते हैं बंकर को क्लीन करते हैं। ओ दिस इज अ लॉट मेसी बंकर, काफी गंदा है, वहां पे कॉकरोचेस भी है भाई। लेट्स गो गेमर्स, हम आ गए उस घर में जहां पे हमको बंकर को रिपेयर करवाना है। घर के अंदर जाके देखते हैं, ये थोड़ा सा घर का नया मॉडल दे रखा है इस बार। ओपन द गेट, वाओ काफी प्यारा लग रहा है। बंकर कहां पे मिलेगा मुझे? ये तो गराज है। ओए सेम कलर कार का लास्ट टाइम मैंने देखा था, बस ये रेड थी। ठीक है मून, तो मेरे पीछे पीछे यहाँ हमको बंकर फाइंड करना है। मैंने तो पूरा घर गए चेकआउट कर लिया, बंकर अभी तक मुझे मिला नहीं है। मून मेरे तू पीछे यहाँ, ठीक है कहीं तू गुम मत हो जाइयो। हाँ ये रहा आई थिंक, इधर से एंट्रांस है उसका। मून इसके अंदर आना आई थिंक मून का ठीक नहीं रहेगा, तो एक काम करते हैं मून, एक काम कर तू छाव में इधर ही बैठ, तू इधर बाहर ज़्यादा धूप हो रही है, हाँ तो यही पे आके अबे इधर आना। ये ना मुझे थोड़ा थोड़ा गोरिल्ला की तरह लगता है पीछे से। तो एक काम कर, तेरे को मैं थोड़ी सी ट्रीट देता है, ये ले खा ले थोड़ा सा खाना, एंड थोड़ी देर के लिए तू यहीं पे रुक, मैं पूरा बंकर को क्लीन करके आता है। स्टे कर दिया मैंने इसको। लेट्स गो, और चलते भी बंकर के अंदर। आई एम रियली एक्साइटेड टू गो देयर। ओ ये क्या हो रखा है भाई, बहुत गंदा है ये। लाइट्स ऑन करो थोड़ा सा, लाइट्स किधर है इधर की? अबे लाइट का बटन किधर है? ये रहा टर्न ऑन लाइट्स। हाँ ये क्या है भाई, मिट्टी वगैरह अंदर आ रखी है, तो इसी से क्लीनिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कचरा हटाते ये। ये बॉटल्स वगैरह थी, और ये मिट्टी अंदर कैसे आ गई बंकर के पता नहीं, बट इसको भी जल्दी से भी हटा देते इधर से। मिट्टी को हटाने के लिए कुछ अलग सा टूल चाहिए आई थिंक। ये मिट्टी क्लीन नहीं हो रही है, इसके लिए डेफिनेटली अलग सा ही टूल चाहिए होगा। ओपन करो गेट को, फाइनली हम बंकर के अंदर आ गए। कितने रूम्स है वैसे इधर? ओ काफ़ी सारे रूम्स है भाई। ठीक है अभी इस तरह भी जाके देखते हैं इधर कितना काम करना है भाई, काफ़ी काम करना है हमको। अभी हमको यहाँ पे टर्बाइन पावर जनरेटर भी बाय करना है, ये क्या होता है पता नहीं। किचन कैबिनेट डबल डोर कैबिनेट, किचन वगैरह भी बनाना है हमको इधर। इस तरफ क्या है? तो इस तरफ ही दूसरी तरफ बाहर निकलते हैं भाई। ये कहाँ? ओ भाई किचन कैबिनेट, आई मीन गराज के अंदर ही हम लोग आ गए। अरे भाई कार के पीछे था इसका दरवाज़ा, बाहर कैसे निकलूंगा मैं इधर से, क्या हो रहा है ये? हाँ ये मैं आ गया बाहर, अभी मैंने देखा नहीं कार के सामने की तरफ बंकर था। ओके तो यहाँ पे दो एंट्रांसेस है, एक पीछे से भी है और एक घर के अंदर से भी है, अच्छी बात है। तो अभी उतर ले इधर से, एंड अभी सबसे पहले कचरा हटाने से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लाइट्स ऑन करो इधर की। ज़्यादा लाइट्स नहीं है, सब कुछ अपन बेच डालेगा। ये क्या है, ये डॉक्टर का किट वगैरह है, ये तो नहीं बेचना चाहिए आई थिंक। मुझे लग रहा है ना इस बंकर को इसकी वजह से बनाया गया है, अगर कहीं पर यू नो हमला वगैरह हो जाता है ना, कहीं पर न्यूक्लियर लड़ाई वगैरह वॉर वगैरह, तो उस वक्त में ये काम आएगा। लगभग मैंने सब कुछ हटा दिया, 96% हटा दिया, और ये डिब्बे वगैरह में मुझे इनका क्या करना है, मुझे एक एक को वापस से रखना पड़ेगा क्या भाई? ये गलत बात है यार, ऐसा मत करो मेरे साथ, थोड़ा सा कहीं पे तो कूड़ा बच्चा है। ओ एक गन भाई, गन भी है, ओ भाई एक गन भी है। तो यार हर एक चीज़ है इस बंकर के अंदर, अगर किसी ने आपके ऊपर हमला कर दिया तो आप अपने आप को 100% बचा सकते हो, बट कहीं पर तो थोड़ा सा कूड़ा बच्चा है, मुझे उसको हटाना है भाई। कहाँ पे गया वो? मे बी ये बॉटल्स। सारा मैंने ट्रैश हटा दिया। नाउ वैक्यूम अप ग्लास शेड्स, कहाँ पे ग्लास शेड्स? ओ ये, हाँ ये यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है, ये कांच टूटा पड़ा है थोड़ा सा। नाउ इट्स टाइम फॉर क्लीनिंग डर्ट। डर्ट मैंने अभी तक 9% क्लीन करी है, जल्दी से मैं सारे के सारे डर्ट को क्लीन कर देता हूँ, एंड ये वाला काम खत्म करने के बाद हमको भाई अपने ऑफिस को भी अच्छा बनना है, यहाँ से अच्छा खासा इनकम आ जाएगा भाई। 4000 तो ऑलरेडी आ गए, मतलब जाए सबसे अच्छे पैसे ना मुझे यहीं से मिलते हैं, घर को रेनोवेट करने से भी ज़्यादा। बट अभी तक ना मुझे घर को रेनोवेट करने से ज़्यादा पैसे इसकी वजह से नहीं मिले, क्योंकि मैंने घर के अंदर कोई भी मतलब एक्सेसरी इंस्टॉल ही नहीं करी है। मैं बस जाता हूँ घर को क्लीन करता हूँ, एंड थोड़ा बहुत पेंटिंग करता हूँ, दैट्स इट। मैंने अभी तक कोई भी घर में यू नो कोई ना बेड लगाया है, ना कुछ बाय करा है, टेबल कुर्सी बुक शेल्फ वगैरह, तो दैट समय भी मुझे ना कम पैसे मिलते हैं। बट अभी से ना मैं काम करूंगा, मैं कोई भी घर अगर बाय करूंगा ना तो एकदम उसको अच्छे से क्लीन करने की कोशिश करूंगा इस बार में। थोड़े मकड़ी के जाले यहाँ पे है, 98% क्लीन हो गया,
अभी भाई 2% कहाँ पे क्लीन करने के लिए जाऊँ मैं, देखो वहाँ पे 98% तो क्लीन हो चुका है। ठीक है अभी ये इतना आई थिंक क्लीन इनफ है। मैं सारे के सारे जो डिब्बे है गाइज यहाँ पे जो नीचे पड़े उनको वापस से मैं रखवा देता हूँ। भाई मेरे को ना ये रखवाने से वो गेम का याद आ गया, क्या नाम था उस गेम का, माय गेमिंग क्लब। उसमें भी भाई मुझे सेम चीज़ें बाय करके ऐसे रखनी पड़ती थी उस फ्रीज़र में, फ्रीज़र नहीं वो क्या बोलते उसको, वेंडिंग मशीन में। ठीक है तो मैं जल्दी से ये सारे बाल्टे डब्बे यहाँ पे रखवा देता हूँ। फाइनली गाइज पूरे घर को मैंने क्लीन कर दिया अच्छे तरीके से। और भाई यहाँ पे एक डिब्बा बचा है, ठीक है ये आखिरी वाला था तो ये इधर। हाँ अभी देखो अभी एकदम बढ़िया लग रहा है, मैंने सारे के सारे जो जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो सारे रैक्स के अंदर रखवा दिए। एंड नाउ अभी हमको थोड़े से ऑब्जेक्ट्स बाय करने हैं। फॉर एग्जांपल हमको एक टर्बाइन पावर जनरेटर बाय करना है। ये कहाँ पे लगा है, ओह $1000 का है मे बी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी के लिए ऑब्वियसली, बट वेयर शुड आई पुट दिस, आई डोंट हैव एनी आइडिया कहाँ पे लगाना है इसको। ओके लगा दिया मैंने, बट ये प्रोड्यूस कैसे करेगा इलेक्ट्रिसिटी, मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसको ऑन कैसे करते हैं, पता नहीं भाई। किचन विद कैबिनेट, या किचन कैबिनेट भी अभी हमको बाय करना है ये वाला। ठीक है किचन कहाँ पे लगाया अभी, भाई मेरे को इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है किचन वगैरह बनाने का। ठीक है अभी लगाना तो पड़ेगा, इधर अपना किचन बनेगा, ये मैंने लगा दिया। देन ये पूरा कैबिनेट ही पूरा ये वाइट में ही रहेगा, इसके साइड में रहेगा ये। इस तरफ किचन लगाते अपना प्यारा सा छोटा सा। अबे ये सही से फिट नहीं हो रहा, हो रहा है क्या, नाइस हाँ अच्छा लग रहा है ये। ये क्या है, हैंगिंग शेल्फ, ये इसके ऊपर रहेगा फिर। कितने दो लगाने इसके, कितने लगाने ये हैंगिंग शेल्फ, एक ही लगाना आई थिंक। ये क्या है, बंकी बेड, ओ बंकर बेड, बंकी बेड कितना प्यारा नाम है ये। यहाँ पे रहेगा बेड, नहीं बेड इधर नहीं, बेड बेड किधर लगाए, हाँ नाइस, हाँ भाई ये सही है, ये सही है। देन ये गधे कहीं को इसको मैं इधर लगा देता हूँ, ये तो भैया हमारा बाथरूम में नहीं लगाते इसको, इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ। नहीं यार ये कहाँ पे लगाए, क्या बड़ा सा बुलडोजर जैसा दे रखा है। ठीक है ये इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है मेरे को पसीना क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने एसी ऑन नहीं किया है, और एसी ऑन करने का रीज़न ये है कि मैं बीमार हूँ तो मैं ऐसे भी ऑन नहीं कर सकता, बहुत पसीना आ रहा है। ये आई थिंक खाना पकाने के लिए, तो ये किचन के ऊपर यहाँ पे रहेगा, ये इधर ही रहता है ना किचन के अंदर, ये कुक टॉप इधर रहेगा, इसके ऊपर हम खाना अब पका सकते हो अभी के लिए, नाइस। और अभी आखिरी क्या है, सिंपल टेबल, ये टेबल किधर लगाए, टेबल किचन के साइड में रहेगा आई थिंक ऐसा गाइज। लेट्स गो, एक टेबल भी लगा दिया, हाँ अभी ये पूरा बंकर लग रहा है। और ये आखिरी क्या है, चेयर भी लगानी है, चेयर देन इधर ही लगाते हैं इसके साइड में, किचन के साइड में ही। ठीक है देखो हमारा पूरा सेटअप तैयार है, इधर आपको खाना मिलेगा, इधर आपका किचन है, आप इधर आपका बेड है, आप सो सकते हो। एंड देन अभी क्या करना है, बाय ऑब्जेक्ट, अभी क्या करना है बाय, ओके एक और चेयर बाय करनी है, ओके दो चेयर्स लगानी है, ठीक है मैं भी दो लोगों के लिए, तो दूसरी चेयर इधर रहेगी। नाइस लेट्स गो, लगभग पूरा काम हो गया, अभी बस थोड़ा सा डर्ट क्लीन करना बाकी है। 2% पता नहीं है 2% डर्ट किधर है, लगभग मैंने पूरे रूम को तो क्लीन कर दिया, फिर भी ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ करना बाकी है। अभी आई थिंक हमको बाथरूम को भी बनाना है, या बाथरूम को भी बनाना है, तो एक टॉयलेट चाहिए, मैंने काफ़ी ज़्यादा खर्चा करा इसके ऊपर। ईट असेंबल, इसको असेंबल करना बहुत ईजी होता है, एडवांस वाला टॉयलेट है भाई, रियल लाइफ में अगर इतना ईजी होता तो कितना सही हो जाता ना। रियल लाइफ पे तो भाई इसका और रियल लाइफ का दूर दूर तो कोई भी संबंध नहीं है। और अभी बारी है शॉवर को बाय करने की, भाई $1200 का शॉवर है, आर यू सीरियस, ये वाला लगाते हैं, सस्ता वाला, सस्ता नहीं है वैसे, महंगा ही है, बट ये वाला चलेगा, लगाते हैं ईट असेंबल। मैं पहली बार शॉवर लगा रहा हूँ, ओह इसकी पाइप्स आ गए ऑटोमेटिकली, लेट्स गो, हो गया आई थिंक, या इसका दरवाजा आ गया, ये पूरा कांच का है। एंड ओ हो गया, हाँ क्या मैं खुद ना आ सकता हूँ इधर, भाई इसके अंदर LED लाइट भी है, वाह वेरी नाइस, वही बढ़िया है। और यहाँ पे आते अभी हमको सिंक लगाना है, तो सबसे पहले इसको अनस्क्रू करना पड़ता है, तो जल्दी से मैं इसको अनस्क्रू कर देता हूँ, फिर इसके बाद हम यहाँ पे एक सिंक लगाएंगे। ओ न्यू स्किल, स्किल पॉइंट अनलॉक हो गए, हैंडीमैन, इसको थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, फिटर प्लास्टरर और टाइलर, कौन सा अपग्रेड करें, फिटर अपग्रेड करते हैं, थोड़ा सा ये अपग्रेड करते, मेरे पास काफ़ी सारे पग पॉइंट्स थे, ब्लैक वाइट में ही लेते थोड़ा सा ये वाला। ठीक है इसको भी बाय कर लिया, अभी मैंने थोड़े से पर्क पॉइंट्स का यूज़ करा है, तो आई थिंक ये थोड़ा फास्ट होगा इस बार, हाँ इस बार थोड़ा सा फास्ट हो रहा है यार, हो गया अभी बस इसको अंदर भेजना है। एंड डन लेट्स गो, बाथरूम लगा दिया, सिंक लगा दिया, टॉयलेट लगा दिया, दैट्स इट, हो गया ये इसका काम। एंड देन यहाँ पे हमको क्या करना था, यहाँ पे भी डर्ट को क्लीन करना है, 72% क्लीन हुआ ये वाला रूम। ये यार मैं इसको हटा ही नहीं पा रहा, ये क्या बकवास है, देखो अभी हटेगा क्या, ये पहले तो हट ही नहीं रहा था, पता नहीं यार ये हट नहीं रहा, और जब तक ये हट नहीं रहा, इट्स टाइम फॉर टुडे शॉर्ट आउट, आज का पहला शॉर्ट आउट जाता है गेमिंग वाइंड को,
कॉन्ग्रेट्स ब्रो। एंड सेकंड शॉट आउट जाता है मोबाइल गेमर को। अगर आपको भी शॉट आउट चाहिए कमेंट करो तो नेक्स्ट वाले एपिसोड में आपको शॉट आउट मिल जाएगा। सो गेमर्स, लगभग हमारा पूरा जॉब कंप्लीट हो चुका है। हमने बंकर को एकदम चकाचक क्लीन कर दिया है, सारे डिवाइसेस भी माउंट कर दिए और अभी इधर से निकल लेते हैं घर के लिए। मेरा मून किधर है? अभी बाहर निकल। जहाँ मून किधर है? हेलो मून, हाउ आर यू? तेरे को थोड़ी सी भूख लगी होगी, ये ले थोड़ी सी ट्रीट्स ले ले, इसको थोड़ी सी ट्रीट्स देते। एंड अभी मेरे को फॉलो करते हुए मेरे साथ चल, क्योंकि मैंने पूरा काम कंप्लीट कर लिया है। फॉलो मी, लेट्स गो। इसको मैंने ऑर्डर दे दिया तो अभी ये मेरे पीछे आ जाएगा। एंड अभी देखते हैं ये वाला घर बेच के हमको कितने पैसे मिलते हैं। $8,000 भाई, $8,000 मतलब रियल लाइफ में कितने पैसे हुए? 6 लाख रुपए? आर यू सीरियस? मतलब बस एक बंकर को क्लीन करने के मेरे को 6 लाख रुपए मिले। आई मीन ऑब्वियसली मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल तो की है, बट भाई स्टिल बहुत सारे पैसे हैं। ठीक है, अभी हम मेरे पास काफ़ी अच्छे खासे आ जाएंगे भाई। $8,000 हमको मिलने वाले ये वाला काम करके। 98% मैंने जॉब क्लीन करा है, वो बस थोड़ी सी डर्ट बची थी वो क्लीन ही हुई। ठीक है, इट्स ओके, इतना तो चलता है। और अभी मैं अपने ऑफिस को ये पैसे का यूज़ करके अच्छा बना सकता हूँ। मैं अभी वही करने वाला हूँ। ठीक है, अभी अपने ऑफिस को अभी हम थोड़ा सा क्लीन करेंगे, अच्छा करेंगे। $66,000 अभी हमारे पास आ चुके हैं। एंड नाउ इसका मतलब है अभी मैं अपने ऑफिस को अच्छा बना सकता हूँ। ये सबसे पहले ये सारी बकवास चीज़ें मैं बेच दूंगा। ये बेड वगैरह बकवास है, बहुत बकवास है। ये सॉक कटर की आई डोंट थिंक सो कि हमको ज़रूरत है कोई। इधर बाथरूम में आके देखते हैं। ये दरवाज़े वगैरह मैं सारे बेच दूंगा, अपने को नए चिकने दरवाजे चाहिए। हाँ, दरवाजे बेच दिए। लाइट भी बेच देते हैं, अच्छी वाली लाइट लगाएंगे, महंगे वाली। इसको भी बेचते हैं, रख को, रख की कोई ज़रूरत नहीं है। काय करा इसे सगैत पहलंदा। बाथरूम से ही शुरुआत करते हैं। ये वाला बाथरूम मैं बेचने वाला हूँ। इस वाले टॉयलेट को भी बेचते हैं, इसको भी बेचते हैं, सब कुछ बेच देंगे और यहाँ पे सब कुछ नया लगेगा। एंड यार इसको मुझे ना क्लीन करना चाहिए। देखो कितनी इसकी वॉल गंदी हो रखी है बाथरूम की। भाई ये पूरा सड़ा हुआ बाथरूम है और ये पता नहीं मैं कितने दिनों से इस बाथरूम का यूज़ कर रहा था। यहाँ की लाइट ऑन कर बे। लाइट तो अच्छी है बट बाथरूम को मैंने क्लीन कर दिया। अभी सबसे पहले यहाँ पे अच्छा सा ये लगाते हैं बाथरूम अपने लिए, शॉवर लगाते हैं। इसके अंदर ग्रीन लाइट रहेगी और ये लगेगा इधर। लगेगा क्या इधर? हाँ लगा दिया मैंने, लेट्स गो। अभी इसको असेंबल, अभी असेंबल कैसे करना है? हाँ असेंबल, ईट असेंबल। तो जल्दी से यहाँ पे भी अपना नया शॉवर लगाते हैं। हाँ ये बढ़िया रहेगा गाइज। ओके मैंने फिट कर दिया इधर, ये कांच इसका इधर रहेगा, ये इधर रहेगा। एंड हो गया, शॉवर मैंने इंस्टॉल कर दिया, सही लग रहा है। एंड नाउ यार सबसे पहले कलरिंग करते यार वॉल्स के लिए। एक सेकेंड लेट मी सी वॉल्स के लिए। हाँ ये आ गया वॉल्स का सेक्शन। तो यहाँ पे ये वॉलपेपर वगैरह है बट अभी तक मेरे पास ना इसको यूज़ करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो अगर मैं इसको बाय करता हूँ ना, यहाँ पे बाय करके अगर मैंने रखा, इसको यूज़ कैसे करें? देखा टिल टाइलिंग एंड पैनलिंग नॉट अवेलेबल येट। यार यार पता नहीं कब अवेलेबल होगा, तब तक के लिए मैं सोच रहा हूँ पेंट ही करते हैं। वाला ग्रीन सही लग रहा है गाइज, तो ये वाला ग्रीन कलर में करने की सोच रहा हूँ अपने बाथरूम को। लेट्स सी ये कैसा लगता है, मुझे ट्राई तो करना है ना। हाँ भाई बढ़िया लग रहा है, क्या प्यारा लग रहा है, मज़ेदार, मज़ा आ गया। अबे यार ये क्यों नहीं हो रहा पेंट इधर? अरे ये बाथरूम की वजह से ना। हाँ अभी होगा ये, अबे पेंट ख़त्म हो गया। हाँ यार ये वाला कलर बढ़िया लग रहा है, ऐसा पोपटी बोलते हैं इसको मराठी में। अबे इधर हो जा। अरे यार ये क्या प्रॉब्लम होती है बीच में। पोपटी पोपटी, वेरी नाइस, बहुत प्यारा लग रहा है। फाइनली गाइज बाथरूम को पेंट कर दिया है। ओह भाई क्या बढ़िया लग रहा है, इस तरफ भी थोड़ा सा पेंट करना चाहिए अंदर की तरफ और ये ऊपर की तरफ भी पेंट कर देता हूँ मैं। हाँ ऐसा पूरा सेम ही कलर चाहिए मेरे को इधर। इट्स लुकिंग क्वाइट गुड गाइज। फाइनली पूरा बाथरूम पेंट कर दिया मैंने, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और अभी यहाँ पे थोड़े से सिंक वगैरह माउंट करने हैं, वो मैं बाद में माउंट करूँगा। अभी मैं अपने घर को थोड़ा सा पेंट करने की सोच रहा हूँ, लेकिन उससे पहले दरवाजे लगाते हैं। दरवाजे लगाना इंपॉर्टेंट है, देन बाद में मेरे को पेंट भी तो करना है, तो दैट्स वाई यहाँ पे डोर सर्च करते हैं। ये वाला मेरे को बढ़िया लग रहा है, इसका डिज़ाइन सही है ना, ब्लैक में आ रहा है ऐसा। तो ये इधर लगाए कैसा? लगा देते गाइज, लगा दिया मैंने। बट इस बार थोड़ा सा छोटा डोर बना है, लेट मी सी बाहर से कैसा लग रहा है। बढ़िया है यार, बढ़िया है, बढ़िया लग रहा है ये। ओके डोर लगा दिया, अभी इसको यूज़ करते हैं। बट यार अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ लगता क्यों नहीं, मुझे इसको यहाँ पे लगाना था। बट ठीक है अभी हमने लगा दिया, दैट्स ओके। एंड एक डोर मुझे बाथरूम के लिए भी यूज़ करना है, बाथरूम के लिए भी तो लगाना है, तो बाथरूम के लिए भी सेम लगा, वो बस ये वाइट में रहेगा पूरा। ओके लगा दिया गाइज मैंने बाथरूम के अंदर भी एक डोर। हाँ अभी ये बढ़िया लग रहा है, वेरी नाइस। बाथरूम के अंदर भी डोर लग चुका है। और अभी मैं फ्लोर के लिए टाइलिंग लगाने की सोच रहा हूँ। फ्लोर का क्या सीन है, फ्लोर कौन सा रहेगा हमारे घर में? ये वाला लगा के देखे क्या, कैसे लगता है फ्लोर? कैसे ऐसे? ओ ऐसे लगाए, $14। वाह भाई ये बढ़िया सिस्टम है। देखो भाई दिन में एक ही झटके में पूरा कवर कर लूँगा आई थिंक, ऐसा लगा के देखते इधर ऐसा।
हाँ यार ये बढ़िया है, हाँ यही वाला करते फिर। एक सेकेंड, अच्छा तो लग रहा है ना, मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई, काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है। नहीं यार ऐसा लग रहा है मैं कोई यू नो सस्ता वाला है, बहुत सस्ता, महंगा वाला वुडन लगाना चाहिए यार। ये मैंने क्या बकवास लगा दिया, पूरे घर में इधर इस तरफ आएगा। ओह ये अच्छा लग रहा है गाइस, पता नहीं यार मे भी अच्छा लग रहा होगा, ये मेरे को कमेंट्स में बताओ कैसा लग रहा है। और भाई बाथरूम के अंदर भी ये आ गया, नहीं बाथरूम के अंदर हम थोड़ा सा अलग लगाएंगे, बट ये लगाने का सिस्टम बढ़िया है। और ये डॉग के लिए भी है छोटा सा, नाइस। बाथरूम के अंदर नॉर्मल टाइल्स लगाते हैं, बाथरूम के अंदर क्या होता है भाई मुझे इसका ना ज़्यादा नॉलेज। हाँ ये वाला बाथरूम के अंदर लगाते हैं, ग्रे स्क्वेयर्स नाम है इसका, तो बाथरूम के अंदर ये ग्रे स्क्वेयर्स। बाथरूम के अंदर मैंने ग्रे टाइल्स लगाई है एंड आई थिंक इट्स लुक गुड। नाउ इट्स टाइम फॉर पेंटिंग। पेंटिंग अपने घर में कौन सा कलर है, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई कौन सा कलर। ये तो हमने अपने किचन के लिए दे दिया, आई मीन बाथरूम के लिए, तो एक बार देखते हैं ये पेंट हम कौन सा करेंगे इधर वॉल्स के लिए। ये लगा के देखते हैं, ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट है भाई गाइज, लगा के देखते हैं। एक सेकेंड, मून को क्या हुआ भाई, वो सो रहा है भाई। मैं एक सेकेंड के लिए भाई घबरा गया, तो थोड़ा सा इसको पेट कर लेते हैं, ठीक है इसको मैंने भाई, मुझे लगा एक सेकेंड के लिए वो मर गया। नहीं ऐसा नहीं है गाइज, मरा नहीं है मून, मून हमेशा जिंदा रहेगा, डोंट वरी। तो अभी मैं ये वॉल को पेंट करके देखता हूँ कैसा लग रही है। यार गंदा लग रहा है, गंदा ही लग रहा है, मे बी एक बार देख के देखते कैसा ही है, देन बाद में डिसाइड करेंगे हम लोग। सबसे पहले इधर लाइट लगाते हैं। हाँ यार मेरे को तभी सोचो इतना गंदा क्यों लग रहा है मुझे, लेट मी बाय अ लाइट। ये वाला लैम्प बढ़िया लग रहा है मुझे, ये वाला बाय करते हैं। एक इधर रहेगा ऐसा एंड एक ऐसा इधर रहेगा इसके सामने, और एक हमारे वर्क प्लेस के यहाँ पर रहेगा। नाउ लेट्स इसको ऑन करके देखते। हाँ भाई ये बढ़िया, हाँ ये अच्छा लाइट मार रहा है, हाँ नाइस। और अभी हाँ देन देखो लाइट में ये पेंट, भाई गाइस बहुत गंदा लग रहा है यार। ये वाला देख के देखो क्या फिर, आई डोंट नो गाइस, अभी के लिए ना मैं नॉर्मली दे ही देता हूँ कलर। मैं बाद में इसको ना अच्छा बनाऊंगा, जब मेरे पास वॉलपेपर का एक्सेस आएगा ना, देन मैं यहाँ पे वॉलपेपर लगाऊंगा अच्छे से। ये इधर ये वाली दीवार अच्छी लग रही है, और ये वाला जो पेंट है वो मैं इस तरफ लगाता हूँ फिर, लेट्स सी कैसा लग रहा है। हाँ इधर ही अच्छा लगेगा आई थिंक, इट लुक्स गुड ओवर हियर। हाँ भाई ये वाली साइड में ये दरवाज़ा अच्छा लग रहा है, तो ये बस इधर के लिए रहेगा बस पेंट। हाँ बढ़िया लग रहा है, ये बढ़िया लग रहा है। और मून के लिए भी मुझे छोटा सा हाउस बाय करना है, बट उसके लिए भाई बहुत खर्चा होगा, वो खर्चा अभी तक तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ यार ये बढ़िया लग रही है वॉल, आई मीन पूरा मैच हो रहा है, वो डोर भी एंड वो विंडो भी। हाँ वेरी वेरी नाइस, इट्स मैचिंग हो रहा है ये। और अभी इस तरफ की वॉल को थोड़ा सा अलग करेगा। हाँ एक और मैं पेंट बाय करता हूँ गाइस, अच्छा रहेगा आई थिंक मेरे लिए। बनाना स्माइल वाला बाय करेगा एक, ये वाला भी बाय करके देखते हैं। ये बनाना स्माइल इधर रहेगा येलो वैसे मेरा येलो फेवरेट है नहीं, बट स्टिल देख के देखते कैसा लग रहा है बनाना। गाइस जस्ट लुक एट द वॉल भाई, क्या मैचिंग लग रहा है ये, देखते देखते मैंने भाई अच्छा कलर कर दिया। हाँ बढ़िया लग रहा है ये। और इस तरह भी मैं देन अलग सा, नहीं इतना भी अलग नहीं, यही वाला कलर मैं यहाँ तक कंटिन्यू करूँगा। हाँ इट्स नाइस। एंड अभी ये जो ब्लू था ना, वो ब्लू को मैं इस तरफ कंटिन्यू करूँगा, नहीं इधर वाइट दूँ क्या मैं। हाँ यार इधर ना वाइट कलर देते हैं, वाइट कलर तो अभी तक मैंने दिया नहीं है। ये पेंट के डिब्बे को मैं इधर रखता हूँ। ओ देखो मून खेल रहा है, मून जंप कर रहा है भाई, वही देखो ये कितना हैप्पी है, जंप वगैरह लगा रहा है अच्छी बात है। एंड आखिरी इधर हो गया, फाइनली गाइज पूरे रूम को मैंने पेंट कर दिया है हमारे ऑफिस को, एंड माई गॉड बहुत सही लग रहा है, अभी तक का मैंने बेस्ट पेंटिंग करा है इसको भाई, क्या सही लग रहा है ये गाइज। एक लाइक बनता है हमारे इस प्यारे से ऑफिस के लिए। और अभी सारे पेंट के डिब्बे मैं भेज देता हूँ। वैसे बाहर से भी पेंट करना चाहिए क्या मुझे अपने घर को, लेट मी सी। हर बाहर से भी करना चाहिए, लेकिन बाहर से यू नो मैं यहाँ पे इसको कुछ अलग करूँगा, जब हमारे पास नए एक्सेस हो गए ना नई चीज़ों के, तो वो करेंगे हम बाहर। बट अंदर से घर एक क्लास, आई मीन क्लास वन लग रहा है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है। प्लीज इसके लिए एक लाइक बनता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गेमर्स।